वेलकम बैक। अब आगे का फॉर्म भरना सीखते हैं। तो ये चौथे पेज में हम आ चुके हैं। चौथे पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तीन कॉलम बने। दो कॉलम को टू और थ्री को छोड़ देना है, यहाँ भी आपको टू को थ्री से छोड़ देना है क्योंकि जॉइंट खाता नहीं सेल्फ के लिए। यहाँ आपसे पूछेगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो आप फोटो कापी देना चाहेंगे, आप कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड हो, वोटर आई डी हो, तो उसके डिटेल आपको देने कि आप क्या लगा रहे हैं ऐसे प्रूफ के तौर पे। यहाँ पे फ़ोटो है और यहाँ पे एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आप दे रखा है कि क्या क्या चीज़ आपको दे सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं फ़ोटो आइडेंटिटी के तौर पे, आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और कोई तरह का आप देख सकते हैं जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ से कन्फर्मेशन लेटर हो गया। एड्रेस में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी के तौर में बैंक को जमा करेंगे और ओरिजिनल में बैंक में वेरीफाई करेंगे उसकी डिटेल भरनी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वोटर आईडी के तौर में फ़ोटो आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा, तो वोटर आईडी के बारे में मैंने लिख दिया टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ उसका सीरियल नंबर, हर एक आइडेंटिटी का एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर यहाँ भर देंगे और कौन सी अथॉरिटी उसे इशू कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया, उस तारीख की डेट, प्लेस लखनऊ। और वहाँ एड्रेस में भी हम यही करेंगे। एड्रेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ वैलिड है, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, यहाँ जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप बिजली आपके पास हो, उन उस चाहे टेलीफोन बिल हो, बिजली का बिल हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उस पूरे की डिटेल आप पहले नंबर कॉलम में भर देंगे। अगर लाइसेंस है, लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस कब इशू हुआ, कहाँ इशू हुआ, कब तक वैलिड है, कहाँ इशू हुआ, तो आपको इस कॉलम में जो भी आप चूज़ करेंगे उसके बारे में इसमें भर देना है। अब फॉर्म आता है फॉर्म 60/61, ये उन लोगों को भरना है जिनके पास, जैसे कि फॉर्म नंबर पेज नंबर वन में हमने पैन कार्ड के बारे में डिटेल भरी थी, लेकिन जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो उन लोगों को ये कॉलम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है आर यू आर टैक्स ऐसी, यानी कि आप टैक्स देते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देते हैं यानी कि पैन कार्ड नहीं है तो आप नो पे टिक लगा देंगे। उसके बाद नीचे के दो कॉलम जो पूछ रखा है वो आपको छोड़ देना है क्योंकि ये उनके लिए जो टैक्स नहीं देते हैं। और अगर आपने यस लिखा होता तब आपको दो कॉलम भरने होते क्योंकि आपने नो पे टिक लगा रखा है, तो ये दो कॉलम नहीं भरने। नीचे आप देख सकते हैं ये फॉर्म 61 उनके लिए है जो एग्रीकल्चर इनकम, जिनकी खेती बाड़ी से इनकम होती, तो ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है। यहाँ वेरिफिकेशन में आई अपना नाम डाल देना है, जो नाम आप पहले डालें, टू डिक्लेरिफाई दैट दिस इज़ द स्टेटमेंट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, वेरीफाई डेट, देश का नाम लिख दीजिएगा, शहर का नाम जहाँ आप शहर का आपका खाता खोलने जा रहे हैं, शहर का नाम जैसे मैंने डाल दिया लखनऊ, दिस इज़ डेट डाल दे रही है, कौन सा दिन था, ट्यूसडे था 2017। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप फॉर्म भरे और जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं और जमा कर रहे हैं। 27 मैंने डेट डाल दी, अपने एज डाल दिया है और यहाँ पे सिग्नेचर डाल दीजिए और फिर से वही सिग्नेचर को वही करना है जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, हमने सिग्नेचर कर दिया है। तो ये जो पेज नंबर फोर्थ जो है पूरी तरह से भर चुका है, अब हम भरेंगे पेज नंबर 5। तो ये पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। तो ये पेज नंबर 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पूछ रखा है कि क्योंकि आप सिंगल हैं तो वी कार्ड देंगे, आई रिक्वेस्ट टू रजिस्टर माय एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग ऑन माय अकाउंट दिस एंड दिस। यहाँ को आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताना है कि आपको सारी राइट्स देंगे, यानी कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहेंगे, सारे ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, इसके लिए टिक टिक मार दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूछा है कि NEFT RTGS चाहिए, तो आप दोनों में टिक लगा दीजिएगा, टैक्स पेमेंट टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ने हर एक आईडी का पासवर्ड होता है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन के तौर पे एक आईडी बना दीजिए जो आप चाहेंगे कि ऐसा आईडी आपको इंटरनेट बैंकिंग में मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है कि आईडी आपको तब मिलेगी जब अवेलेबल होगी, अगर किसी ने ऑलरेडी ले रखी तो शायद आपको नहीं मिलेगी। तो एज आ ऑप्शन के तौर पे आप यहाँ कोई भी जो भी आप आईडी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप बना सकते हैं, अगर वो किसी ने नहीं ले रखी होगी तो ये आपको अलॉट कर दी जाएगी। और नीचे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, 14 अंक का अकाउंट नंबर पूछा है, ये सब छोड़ दीजिए आप और नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको पूछ रखा है, यहाँ पर अपना नेम, अपना नाम डाल दीजिए,
कस्टमर आईडी छोड़ दीजिएगा यहाँ पे सेपरेट। अगर आप चाहते हैं कि ये जॉइंट खाता नहीं है तो नो पेटिंग लगा दीजिए और यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से वही साइन करना है जो आप साइन करते आ रहे हैं। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है इंटरनेट बैंकिंग की, इसे आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कंडीशन है बैंक ऑफ बड़ौदा की इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे अकेले हैं तो वी कर दीजिए, आई पी टिक हो जाएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है और यहाँ पे साइन कर देना है फर्स्ट एप्लीकेंट में, और साइन वही होने चाहिए जो आप करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपने डेट लिख देना है। तो ये पेज नंबर 5वां जो है भर चुका है, तो हम आएंगे पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 हमने खोल लिए, और ये वाला जो फॉर्म है इसमें FATCA और CRS एनेक्सर्स ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, ये टैक्स से जुड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में वाला पार्ट है, तो इसको भी ज़रा गौर से भरिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखा आई एम अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। अगर इंडिया में रहते हैं इसमें टिक लगा दीजिएगा, इंडिया में नहीं टिक, इंडिया में अगर आप बाहर रहते तो आप इसमें टिक लगा दीजिएगा आई एम नॉट अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। और यहाँ पे अगर आप इंडिया के बाहर है तो इस कंट्री में आपको ना कंट्री नेम, एक टिन नंबर होता है जो टैक्स जो भरा जाता है ऑनलाइन उसके लिए काम आता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ेगी, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो इसको कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं। आपने इसमें टिक लगा दिया, आप नीचे आ जाइए, यहाँ नेम ऑफ द अकाउंट और अपना नाम लिख दीजिएगा, कस्टमर आई डी छोड़ दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा जो मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट है, फादर का नाम डालिए, स्पाउस नेम अगर है तो यानी कि अपनी वाइफ का नाम डाल दीजिएगा, जेंडर में अब मेल है फीमेल फीमेल टिक लगा दीजिएगा, पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो पैन नंबर डाल दीजिएगा, आधार नंबर जो आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का उसको यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, कौन सा वेरिफिकेशन में आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वोटर आईडी पैन कार्ड जो भी है उसके बारे में यहाँ लिख दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर में उस जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे आप साइड आएंगे, यहाँ कुछ एडिशनल डिटेल मांगी, यहाँ पे आपका पैसा पूछा, यहाँ स्टूडेंट हो गया, डेट ऑफ बर्थ, सिटी बर्थ, ये नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री, ये सब डाल दीजिएगा। यहाँ आपका एड्रेस पूछा है तो यहाँ अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, और पूछा है कौन सा एड्रेस है ऑफिस का है, घर का है तो रेजिडेंशियल हो गया, और नेम हो गया अपना नाम डाल दीजिएगा, डेट में डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर में यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, और फिर से वही सिग्नेचर जो आप करते आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेस यहाँ लखनऊ। तो ये 6 पन्ने हमने भर दिए, तो फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है, और सबसे खास बात ये जब फॉर्म जमा करने जा रहे थे जो भी आप फ़ोटो आइडेंटिटी और एड्रेस के तौर पे इसमें अटेस्ट करेंगे उसकी ओरिजिनल आपको लेके जाना है, और साथ ही साथ एक ही फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, और दोनों में एक एक साइन करना, यानी कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ असिस्ट करना, वो करना ज़रूरी है। बैंक वाले जो हैं इसे सेल्फ असिस्ट करेंगे, आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, आपके सिग्नेचर एक जगह लिए जाएंगे, उसके बाद आपको फॉर्म जमा हो जाएगा और आपको खाते से जुड़ी अकाउंट नंबर कुछ ही दिन में दे दिया जाएगा। तो ये है फॉर्म किस तरह भरते हैं, और सबसे खास बात यह है कि 70% जो खाता खोलने वाले फॉर्म होते हैं वो हर बैंक के एक ही होते हैं, पर इस फॉर्म को आप भरना समझ जाते हैं तो आप 90% फॉर्म कोई भी बैंक का खाता खोलने वाला भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में उसे कमेंट करिए, और सबसे खास बात है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बैंक से जुड़े हम अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।